आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और ये जीके और जीएस का जो क्लास है वो क्लास नंबर आपका 5 है। और ये कौन से क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आपके टीसीएस के द्वारा हाल फिलहाल में जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं वो क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं, ताकि आप सभी को पता है एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है। और ये 5वां पार्ट है। सारा पार्ट अगर नहीं देखे तो मैंने आप सभी के लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया है चैनल के ऊपर, तो जो भी नए हैं सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और ये क्लास रोज आपको रात को 11:30 बजे मिलता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये टाइम आप याद रखिएगा। और इसका पूरा पीडीएफ आप लोग successki98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम से भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टोटल 40 क्वेश्चन पर डे करवाता हूं, और अपने आप को जज करना है कि कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पता था। तो देखते हैं पहला प्रश्न जो है हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है। तो सभी को पता है पास्कल, पास्कल जो है वो एसआई यूनिट है प्रेशर का। अल्काइनिस का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर ना बहुत जन को डाउट रहता है अल्काइनी अल्काइनिस में। तो याद रखिएगा, अगर अल्काइनिस पूछ दे तो इसका आंसर क्या होगा, CnH2n-2। ये चीज आपको याद रखना है, आज मैं स्पेशल बोलूंगा इसको आप लोग याद रखिएगा, यहां पर बहुत जन को प्रॉब्लम होता है अल्काइन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड और समूह होते हैं, यानी ग्रुप और पीरियड बताना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो कितने होते हैं, 18 ग्रुप और 7 पीरियड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उड़ता पंछी कौन सा ऊर्जा जो है वो आपको लगता है वहां पर, यह बताना है। तो ये तो सभी को पता है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि गोइटर जो है वो क्यों होता है, तो जो नमक की कमी के वजह से बोलते हैं ना, आहार आयोडीन यानी डाइट्री आयोडीन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, पिंजोरे गार्डन जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है आपका हरियाणा में। ठीक है, और हरियाणा के सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर। सुबह 4:30 बजे वाला क्लास में मैं डेली करवा रहा हूं ये सब पॉइंट करंट अफेयर के साथ, ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। अगला क्वेश्चन है, पहला ट्रैफिक कंट्रोल रोबोट भारत में किस शहर में जो है वो लॉन्च किया गया था, तो वो है आंसर आपका इंदौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह आश्रम का दूसरा नाम क्या है ये आपको बताना है, और उसका दूसरा नाम है आपका कोचरव आश्रम, यानी कोचरब आश्रम जो है वो सत्याग्रह आश्रम का जो है वो दूसरा नाम है, याद रखिएगा। और आई थिंक मुझे अच्छे से याद नहीं है, शायद 1915 में ये बना था, देख लीजिएगा एक बार आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ब्लड प्रेशर जो है वो ह्यूमन बॉडी में कितना था, सभी को पता है 120/80। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि ड्राई सेल में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, और यह तो सभी को पता होना चाहिए, केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सबसे मजबूत हड्डी कौन सा होता है, तो दांत की परत, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टूथ एनमल। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा गैस रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल किया जाता है, यह आपका आज का पहला प्रश्न है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट कर बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, आपको बताना है कि विटामिन ई की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका एबिटिल प्रोपोटेनिमिया। ठीक है, एबिटिल प्रोपोटेनिमिया, राइट। अगला प्रश्न हमारे सामने, स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2018 का किसे दिया गया था, और यह पुरस्कार दिया गया था आपका अनुष्का शर्मा को। अगला क्वेश्चन है, हेरिडिटी की इकाई क्या है, तो जीन, ये तो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओजोन लेयर किस लेयर के ऊपर मौजूद रहता है, आपको बताना है, और स्ट्रेटोस्फीयर, राइट। मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं ताकि आप कम समय में डेली आप कम से कम 40 क्वेश्चन का जो है वो कलेक्शन रखो, आपको बस गो थ्रू करना है, अगर एग्जाम में ऑप्शन आता है तो आपके माइंड में रहेगा, कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, तो आप जल्दी से इसका आंसर दे पाओगे। इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो फ्रेडरिक बेंटिंग ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो देखो इसमें आपको CH4 भी बोल सकते हो, मीथेन, लेकिन सबसे जो ज्यादा होता है वो कौन सा होता है मात्रा में, तो कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। अगला प्रश्न हमारे सामने है, क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर क्या है, तो वो है आपका 36। ठीक है,
ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वच्छ भारत अभियान उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड के स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, और ये डाटा मैंने अपडेट कर दिया है तो उनका नाम क्या है, अक्षय कुमार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वीवो के, यानी जो मोबाइल कंपनी है वीवो ओप्पो, आपने देखा होगा वीवो के जो है ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है, तो वो है आपके आमिर खान। एनपीसीआई के सीईओ कौन है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो सीईओ है उनका नाम क्या है, तो वो है आपका दिलीप एसबी, राइट। सबसे भारी धातु का नाम बताना है आपको यहां पर, हैवीएस्ट मेटल, और वो कौन सा है आपका, ऑसिमम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन से तत्व का एटॉमिक मास सबसे कम होता है, तो ये तो 100 में 100 बच्चों को पता होगा, जितने भी विद्यार्थी हैं जो भी एग्जाम देने जाएंगे, हाइड्रोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेट की इकाई क्या होती है, न्यूटन। अगला क्वेश्चन है राणा प्रताप सागर डैम जो है वो किस नदी पर स्थित है, और ये स्थित है आपका चंबल रिवर पर, और ये कहां पड़ता है तो ये भी याद रखिएगा, ये पड़ता है आपका कहां पर, राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ है ना उसके आसपास। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, मैत्री युद्ध यानी मैत्री जो अभ्यास किया गया था वो किस दो कंट्री के बीच में हुआ था, तो इंडिया और थाईलैंड के बीच में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रतिहार वंश के स्थापक का नाम बताना है, यानी प्रतिहार डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, इसका नाम आपको बताना है, और वो है आपका किंग भोजा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, और ये 7वीं सेंचुरी में आपका जो है वो स्थापना हुआ था, ये भी बता दूं आपको। न्यूटन का कौन सा लॉ रॉकेट की गति के मूल सिद्धांत का निर्माण करता है, तो ये तो पता होना चाहिए अगर आप साइंस के कैंडिडेट से या फिर हाल फिलहाल में कोई सा भी एग्जाम दिए हैं, तो न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी फिल्म के लिए नरगिस दत्त को नेशनल अवार्ड दिया गया था, और बहुत जन का आंसर इस क्वेश्चन में होता है मदर इंडिया, लेकिन याद रखिएगा मदर इंडिया के लिए नरगिस दत्त को क्या मिला था, तो फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, लेकिन जो नेशनल अवार्ड मिला था इनको मिला था रात और दिन मूवी के लिए, ये आपका बहुत जन का डाउट रहता है, तो ये डाउट क्लियर रखिएगा। नरगिस दत्त को जो फिल्म फेयर अवार्ड मिला था वो मिला था आपका मदर इंडिया के लिए, लेकिन जो नेशनल अवार्ड मिला था वो मिला था रात और दिन के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, ग्लोबल डाइवर्सिटी अवार्ड 2018 का किसने जीता था, तो वो जीता था आपका सलमान खान ने। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, आग का कौन सा हिस्सा के कारण रोशनी को अंदर आने देता है, कौन से हिस्सा के वजह से जो रोशनी है वो आग के अंदर आता है, तो वो है आपका कॉर्निया। विच पार्ट ऑफ आवर आई लेट्स द लाइट इनसाइड इट, तो आंसर क्या होगा इसका, कॉर्निया। ठीक है, आपको बताना है NaSCO3 किसका रासायनिक नाम है, केमिकल नाम किसका है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोपेन का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन, तो C3H8। क्रोशिया का राजधानी क्या है, तो जैग्रेब। 4:30 बजे वाले करंट अफेयर याद है ना, ये सब गलती नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अंडे से कौन सा प्रोटीन मिलता है, तो वो कौन सा प्रोटीन मिलता है आपका, तो वो मिलता है आपका ओवलबुमिन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि रशियन रिवोल्यूशन के पिता कौन थे, तो वो थे आपका व्लादिमीर लेनिन, राइट। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू की थी, आपको डेट बताना है, और ये आपको पता होना चाहिए 12 मार्च 1930 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, पोंडेचेरी के गवर्नर कौन है, तो किरण बेदी। अब आप बताना कि 40 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता था, ये आपको कमेंट कर बताना है। ठीक है, और एक बात, इसका पूरा का पूरा पीडीएफ अभी जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा successkey98.in से, ताकि एग्जाम से पहले इसका आप लोग रिवीजन कर पाओ। ठीक है, सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को गुड नाइट, और अगला क्लास आपका कल सुबह में 4:30 बजे करेंट अफेयर का मिलेगा, जो आपको A to Z पॉइंट बाई पॉइंट पूरा क्लियर करवाता हूं। ठीक है, चलिए, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल successkey98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में।